जीतन राम मांझी ने साफ कह दिया है कि 2024 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। पूरा बयान दानिश रिजवान का पहले सुनिए। देखिए, आज जो भारत दिख रहा है वो सरदार पटेल की मेहनत का नतीजा है। एक वक्त था जब देश को जोड़ने के लिए सरदार पटेल ने अपनी जिंदगी लगा दी। उस वक्त तो हम चूक गए थे, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बना पाए थे। लेकिन अब वक्त आ गया है जब देश की सामाजिक एकता खतरे में है। हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़वाया जा रहा है, दलित फॉरवर्ड के नाम पर लोगों को लड़वाया जा रहा है। इसलिए अब पुनः एक पटेल जैसे शक्तिशाली नेता की जरूरत है, एक सरदार की जरूरत है। इसलिए 2024 की जो वो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें पटेल के बेटा, पटेल का वंशज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नेता बनाने की जरूरत है, मानने की जरूरत है। और 2024 में सबकी जवाबदेही बनती है कि देश की एकता और अखंडता के लिए हम सब मिलकर के एक पटेल के बेटा को चुने, नीतीश कुमार जी को चुने, उन्हें प्रधानमंत्री बनाए ताकि देश की एकता को फिर से जोड़ा जा सके। आपने सुना दानिश रिजवान को, हम के प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार से बेहतर चेहरा प्रधानमंत्री के लिए कोई नहीं हो सकता है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, मगर उन्होंने ये भी कहा है कि वो 2024 के लिए तमाम विपक्षी पार्टी को एक करने के लिए आगे आएंगे। बीते कल केसीआर पटना पहुंचे थे, जब उनसे भी ये सवाल पूछा गया कि क्या आप प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को देखते हैं, तो उन्होंने भी दबी जुबान में कहा था कि हर योग्य नीतीश कुमार के अंदर है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हालांकि लगातार नीतीश कुमार ये कहते रहते हैं कि उनकी कोई ख्वाहिश और दिलचस्पी प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, मगर आने वाले समय में 2024 में क्या नीतीश कुमार एकजुट कर पाएंगे सभी नेताओं को, और क्या सभी विपक्ष की पार्टियां नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है या फिर नहीं, ये आने वाला समय बताएगा।